कोटा शहर में जैसे ही मानसून आता है और उसके बाद विद्युत व्यवस्था चरमरा जाती है, जब चाहे अघोषित कटौती से स्थानीय लोग परेशान है। आपको बता दें, कोटा में प्राइवेट विद्युत प्रदाता कंपनी केडीएल द्वारा जब यहां पर काम शुरू किया था तो बड़े बड़े वादे किए थे, लोगों को अच्छी सुविधा देने का वादे किया था, ठीक उसके उल्टे यहां पर लोग विद्युत अव्यवस्थाओं से परेशान है। ऐसा ही मामला बीती रात को देखने को मिला जब विवेकानंद नगर में पिछले 6 दिन से विद्युत कटौती से परेशान होकर लोगों ने केडीएल के स्थानीय कार्यालय पर घेराव किया, हंगामा किया और इस पर पुलिस ने आके समझाइश करने की कोशिश की गई, किंतु लोग नहीं माने। उसके बाद पुलिस द्वारा केडीएल के अधिकारियों से वार्ता कर उन्हें आश्वासन दिया, उसके बाद लोग माने, किंतु उसके बावजूद भी व्यवस्था जस के तस बनी हुई है। कोटा के किसी भी इलाके में आप जाएंगे तो विद्युत अकटौती विद्युत की शिकायत सुनने को मिलेगी। कुल मिलाकर कहा जाए कि इस मौसम में खास करके बच्चे और बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए काफी परेशानियां खड़ी हो जाती है रात को अगर विद्युत कटौती होती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कोटा से संजय दत्ता की रिपोर्ट। नगर में लाइट की सप्लाई कम से कम 2-3 महीने से, जब से बिजली का जो मौसम आ जाता है बारिश का और गर्मी बढ़ जाती है तो लोगों को लाइट पर्याप्त नहीं मिलती है, हर घंटे में कट ऑफ हो जाता है, 3-4 घंटे कट ऑफ रहता है और फ़ोन करते हैं तो 15-15 मिनट का आश्वासन देके पूरी पूरी रात निकाल देते हैं। लोगों में बड़ा आक्रोश है क्योंकि कोटा एक स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट सिटी में आ गया है तो यहाँ पर लोगों को लाइटों की पर्याप्त ज़रूरत है। 1 घंटा कट ऑफ हो न्यूज़पेपर में आए तो लोग समझ सकते हैं, पर कभी भी लाइट बंद कर लेना ये दुर्भाग्य की बात है कोटा के लिए। आज लोगों का बहुत आक्रोश था, परसों रात को 6 बजे लाइट आई है, अगले दिन शाम को रात को 8 बजे लाइट गई, तब से पूरी रात बच्चे तिल मिला गए हैं, लोग परेशान हैं, खाना नहीं खा रहे, बुजुर्ग परेशान हैं। तो क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है कि 1-2 घंटे में लाइट ठीक कर देंगे, ऐसा प्रशासन को बुला लिया, पुलिस प्रशासन को, केडीएल ने।